झारखंड लोकल ओनर एसोसिएशन के द्वारा 15 दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिले के मोटरयान निरीक्षण के पद खाली रहने पर गाड़ी मालिकों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया है। साथ ही इस पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि यह पद खाली रहने के कारण वाहनों के कागजात दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, फलस्वरूप उन्हें कंपनी के भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा है और गाड़ी में माल ढुलाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में वाहन मालिक आर्थिक तंगी से गुजरने लगे हैं। मोटरयान निरीक्षण के नहीं होने से राजस्व का भी क्षति राज्य सरकार को हो रही है। इन्होंने अविलंब इस रिक्त पद को भरे जाने की मांग की है। कार्यालय में एमडीआई की कुर्सी खाली है। आज 15 दिनों से गाड़ी मालिकों की जो हालत है, किसी भी तरह की एक्सीडेंटल केस जब होती है गाड़ी मालिक परेशान है। उनके नंबर वगैरह भी ये जो दिक्कत हो रही है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस में जो है गाड़ी मालिकों की बहुत दिक्कत हो रही है। सारे चीज़ गाड़ी मालिक अपने गाड़ी को दरवाजे पर खड़ा करके या जहाँ एक्सीडेंट हो रही वहीं पर गाड़ी खड़ा करके मजबूर है। क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि जब तक एमबीआई रिपोर्ट नहीं लिखेगी तब तक वो इंश्योरेंस क्लेम या थाने का रिपोर्ट नहीं बन पाए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रिडी, दोज हू आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। आई वॉन्टेड माई सन टू स्टार्ट विद द कोडिंग क्लासेस, सो आई रिसर्च इट ऑनलाइन, आई गॉट थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड एवरीथिंग, देन आई गॉट इन टच विद द व्हाइट हैट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड ऑल हाउ ही वॉज डूइंग। सो देन आई थॉट दैट वाई नॉट टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर स्कूल सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न यू नो दिस थिंग। I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.